तेरहवीं में चली चाकू, दो युवक हुए लहूलुहान। भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, कहा जो करना है कर लो। धूमधाम से मनाया गया भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। मंत्री मलैया ने दी सामुदायिक भवनों की सौगात। बुंदेली दमो महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। कलाकार दिखा रहे अपनी प्रतिभा का जौहर। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। हिंडोरिया थाने के चंदोरा गांव में शनिवार की रात मृत्यु भोज के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ और अंजाम दो लोगों की जान पर आफत बन गया। दरअसल चंदोरा गांव में अहरवाल परिवार में एक बुजुर्ग की मौत के बाद तेरहवीं का आयोजन था। इसी बीच दो लोगों में विवाद हुआ और नौबत चाकूबाजी तक आ गई। इस वारदात में एक शख्स चाकू से लहूलुहान हो गया तो विवाद करने वाले शख्स को गांव के ही लोगों ने बंदी बना लिया। हिंडोरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में दोनों लोगों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया। फिलहाल दोनों के होश में आने का इंतजार पुलिस कर रही है। हम बना रहे ना, मैं इसको कुछ देर पहले एक व्यक्ति को लाया गया था जिसको चाकू के द्वारा दो घोटे हुए कहा गया। उसको भर्ती किया गया है, चंदोरा गांव का रहने वाला लड़का है। और उसके कुछ देर बाद पुलिस कांस्टेबल एक आहत को और ले गया है जिसके द्वारा घटना कृत किया करना बताया जा रहा है। और जिसके साथ गांव के लोगों ने उसको पकड़कर उसके साथ आज हंडे टाइल को सूचना मिली थी कि चंदोरा बड़िया में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। उसी सूचना पर जाके कार्रवाई जाके देखा तो एक व्यक्ति को चोट लगी और एक दूसरा व्यक्ति भी एक अचेत अवस्था में पड़ा। तो वहाँ पे एक अहिरवार समाज के गमी होने से वहाँ तेरहवीं थी, जिस कारण में कुछ बात को लेके दोनों पक्षों में दो व्यक्तियों में इनफैक्ट विवाद हुआ। अभी चूंकि दोनों से विस्तृत पूछताछ नहीं हो पाई इसलिए अभी आगे बताना संभव नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं का सत्ता नशा किस कदर हावी है इसका नजारा देखने को मिला। हटा विधानसभा के बिलाई गांव में हटा विधायक उमा देवी खटीक बिलाई ग्राम में किसान सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। यहां लोगों ने उनसे विधानसभा क्षेत्र में विकास न होने की बात कही तो वे भड़क गई। गुस्से में विधायक ने कहा कि वे वोट मांगने नहीं आई है, अभी चुनाव नहीं है, जो करना है कर लो, स्वतंत्र हो। विधायक के इस मामले में सफाई देने पर कहना है कि लोगों से वे विकास की बात ही कर रही थी, परंतु जब लोग चिल्लाने लगे तो उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन मैडम आप ध्यान दें, ग्राम पंचायत में जो नहीं
चुनाव आई है, तीन बार तो आई है। जो करना हो तो कर लेगी ना यार, हमको मन में करे हम तो मंदिर के सामने बिल्कुल पूरी छूट दे। चुनाव अबे अबे नहीं क्या, चुनाव वोट मांगने नहीं आए, तुम्हें जो करना हो वो कर लेगी। स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र। किसान सम्मान यात्रा विधानसभा बार चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और किसानों का सम्मान करने के लिए जब ग्राम पंचायत बिलाई पहुंच तो वहाँ अखंड रामायण चल रही थी मंदिर के पास। हम लोग वहाँ बैठे, लोगों ने रामायण भी करी। उसके बाद जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ किसान हैं उनका सम्मान पार्टी के माध्यम से किया जा रहा था। उसी समय दो बच्चे आए, तो हमारे बच्चे, दोनों बच्चे आए और हमें ऐसा लगा जैसे वो नशे की हालत में हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के साथ दमोह में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके अनुयायियों ने एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जो स्थानीय अंबेडकर चौक पहुंची। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने इस अवसर पर दलित समुदाय वार्डों में सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय साठी, पूर्व विधायक आनंद श्रीवास्तव के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों एवं दलित समुदाय के लोगों की उपस्थिति रही। जयंत कुमार मलैया, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन, विशेष सत्कार भैया, हम सबके दिलों में रहते हैं। हमारे बीच कार्यक्रम के विशेष अतिथि परम आदरणीय श्री रतन चंद जैन जी भी पहुंच चुके हैं। छोटे बच्चे नौजवान सर के पास गए और एक निवेदन किया कि आप इस कार्यक्रम में सर्वोच्च प्रार्थना भैया प्लीज आदरणीय जी प्लीज सर अच्छा भैया जी भी आदरणीय आए माल्यार्पण। सभी पार्षद साथियों से बोले भाई, कोमल भाई अगर जो मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया मंच तक आ जाए और लीजिए बाबा साहेब के चित्र पर। हमारे भी एएसपी महोदय आदरणीय अरविंद सर, सर प्लीज प्लीज लगातार 7 वर्षों से आयोजित हो रहे बुंदेली दमोह महोत्सव का शानदार आगाज हो गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया एवं सुधा मलैया ने विधिवत गणेश पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। नृत्य श्री एवं सरस्वती प्रतियोगिता के द्वारा कलाकार अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। मेले में विशाल झूलों के साथ खान पान एवं सजावट की सामग्री की दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यह मेला 22 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 18 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया गया है।
भाई श्री सिद्धार्थ मलिया जी कृपया यहाँ मन चाहती हूँ। डॉक्टर सुधा मलिया जी ने धार्मिक रीति रिवाज से पूजा दर्शन किया और उसके बाद दिवस है। अभी तक 6 वर्षों में हमने महोत्सव फरवरी माह में मनाया था। अंतिम दिनों तक पहुंचते पहुंचते बोर्ड की परीक्षाएं और ये सब बच्चों की परीक्षाएं पास में होने लगती थी, तो इस बार लगा कि क्यों ना ग्रीष्मकालीन अवकाश जैसा इसको मनाया जाए और दमोह के नागरिकों को एक ऐसा अवसर मिले कि कहीं बाहर न जाकर यही शाम को घूमने का हमने आ जाए तो अच्छा हो। और इस समय बच्चे भी परीक्षा के बोझ से दबे हुए नहीं रहते तो अभिभावक भी मुक्त रहते हैं और सभी लोग यहाँ इसका आनंद उठा सकते हैं। दर्शिता जैन, दर्शिता जैन